हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से भाई एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पर एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, और आज देखते हैं प्रैक्टिस की जो क्लास होगी मैथ की, फर्स्ट क्लास होने वाली है यहाँ पर। और भाई अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें। चलिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू को आपको फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आंसर आने वाला है, रिस्पॉन्स करें एक बार, आंसर करें सभी लोग। भाई देखिए कैसे करेंगे, रूट थ्री और प्लस रूट टू का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। ये क्या होगा यहाँ पर, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, यानी कि थ्री प्लस टू रूट सिक्स अपॉन थ्री माइनस टू हो जाएगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स। पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ आया होगा। आंसर करें भाई सभी लोग, साथ ही साथ आंसर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ एक व्यवसाय में ए 5 महीने के लिए 800 रुपये 800 रुपये सॉरी 8,000 रुपये निवेश करता है, जबकि दूसरा पार्टनर बी 6,000 रुपये निवेश करता है 8 महीने के लिए। वर्ष के अंत में 1,100 रुपये का लाभ होता है, तो ए का आपको लाभ बताना है। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यवसाय में एक व्यक्ति ए है जो 8,000 रुपये निवेश करता है 5 महीने के लिए, और एक व्यक्ति बी है वो निवेश करता है 6,000 रुपये 8 महीने के लिए, और इनका टोटल लाभ दिया गया है आपको कितना, 1,100 रुपये। एक व्यक्ति 8,000 रुपये निवेश कर रहा है 5 महीने के लिए, और दूसरा व्यक्ति 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए। तो 3 0 से 3 0, 8 से 8, यानी कि 5:6, टोटल कितना हुआ 11। 5:6 के अनुपात में लाभ होगा, टोटल कितना हुआ 11। 11 बराबर 1,100, 1 बराबर 100, ए का पूछा है तो ए कितना हो जाएगा, 500 रुपये। आंसर करते रहे भाई आप सभी लोग, आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक दुकानदार जब किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह 10% का डिस्काउंट देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो देखो भाई क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक दुकानदार 20% का जब डिस्काउंट दे रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यदि वह 10% का डिस्काउंट देता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता। 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कितना, 80 में सेल कर रहा है, प्रॉफिट उतना कितना हो रहा है, 120 का, 20% का हो रहा, टोटल कितना हो गया, 120%। ठीक है, बोला 10% का डिस्काउंट देता है यानी कि 90 में, तो 90% की वैल्यू क्या होगी, 120/80×90। 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से कटेगा, 4 2 8, 4 3 12, 0 फिर 2 से कट जाएगा, 15, 15 ने में कितना हुआ, 135, यानी 100% होती है टोटल वैल्यू, और 135% हो रही, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 35% का, कितना लाभ हो रहा है, 35%। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करनी है भाई सभी को, एयरफोर्स ध्यान दें बच्चे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें भाई, क्या लिखा हुआ, ए एक दिन में बी की तुलना में 2 गुना कार्य कर सकता है। ए एक दिन में बी की तुलना में 2 गुना कार्य करता है, क्षमता देखो, ए और बी की क्षमता, बी की क्षमता एक और एक बी सॉरी ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता कितनी, 1। आगे क्या दिया है, यदि बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है
यदि बी किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए और बी उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30 × 1, दोनों मिलके 2 + 1 कितना? 3, कितना हो जाएगा? 10 दिन में काम कर लेंगे दोनों मिलकर। कितने दिन? 10 दिन में। उम्मीद करते हैं भाई समझ रहे होंगे आप लोग। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। बोला दो संख्याएं, दो संख्या ए तथा बी किसी तीसरे संख्या सी से क्रमशः 10% तथा 25% अधिक है। ए तथा बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर देखें। दो संख्याएं ए तथा बी किसी तीसरे संख्या सी से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, ए बी ये दो संख्या है और तीसरी संख्या सी है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये कितनी अधिक है? पहली 110 और दूसरी 100, कितनी अधिक है? 25%, यानी 125 हो जाएगा। और ए बी का रेशियो पूछा है, क्या हो जाएगा? 110 अनुपात 125, 110 अनुपात 125। बोलो समझ आया कि नहीं आया? देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 × 10, 5 × 10, 5 × 10 25। रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? 22 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग भाई, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ भाई? बोला प्रमोद 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में पैदल तय करता है, तो वह पैदल दूरी 225 मीटर कितने देर में तय करेगा? देखो सिंपल से क्वेश्चन, एयरफोर्स वाले ध्यान दें भाई, एयरफोर्स वाले प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस आपको 8 बजे करनी है। आकर यहाँ पर 8 बजे मिलेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? चलो देखो, प्रमोद 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय कर रहा है। कितने मिनट में? 2 मिनट में तय कर रहा है, ठीक है भाई? चलो 90 मीटर की दूरी, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट, 2 मिनट में तय कर रहा है। और बोला 225 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा? 225 मीटर यानी 2/90 और इंटू 225, 15 से कटेगा, 15 × 6 = 90, 15 × 15 = 225, 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 3 से कटेगा, 5, कितना? 5 मिनट में, 5 मिनट में दूरी तय कर लेगा प्रमोद पैदल। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बताएं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 में क्या लिखा हुआ है? 7 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर देखें भाई, तीन पुस्तकों का औसत मूल 18 रुपए, निम्न में से कौन सा मूल किसी एक पुस्तक के लिए संभव हो सकता है? देखो भाई, 3 का है औसत 18, एक का क्या हो जाएगा बताओ? 18 × 3, 54, 54 रुपए होगा, ठीक है भाई? ऑप्शन में आपके क्या लिखा हुआ है? 52, 52 लिखा है, 55 लिखा है, 56 लिखा है और 57 लिखा है। तो यहां पर 54 होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है भाई? 54 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या लिखा हुआ भाई? देखें 9.5 × 0.085 अपॉन 0.0017,
0.0017 और इनटू क्या लिखा 0.19। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे साथ ही साथ। बताइए क्या होने वाला है। देखो भाई ये पॉइंट हटाइए आप सभी, ऊपर कितना आ जाएगा 100, कितना क्या बनेगा 95 × 85 और इंटू 100 अपॉन 17 × 19 कटेगा बिल्कुल 17 से कटेगा 5 बार, 19 से कटेगा 5 बार, 5 × 5 = 25 और 00 यानी 2500। आंसर क्या होगा 2500, ऑप्शन है बिल्कुल है उस ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन नंबर पढ़िए। आठ आदमी 9 दिनों में किसी कार को करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिनों में उस कार को करेंगे। 8 आदमी 9 दिन में और उसी काम को कितने आदमी, 6 आदमी, कितने आदमी, 6 आदमी, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। 2 से कटेगा 2 × 3 = 6 × 2 = 8, 3 से कटेगा 3 × 9 यानी कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। बताइए ऑप्शन नंबर बी। ये देखो पहला प्रैक्टिस सेट है एयरफोर्स के लिए, डेली क्लास 8 बजे आना है आपको, ठीक है, डेली क्लास 8 बजे होगी, प्रैक्टिस क्लास, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन सामने मिलेंगे आपको साथ ही साथ सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई 25% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया, कितना बढ़ाया 20% को बढ़ाया यानी कि 1/5, 5 से कितनी हो गई 6, अब 25% घटा दिया क्या हुआ 1/4, 4 से 3 ये कितना होगा 20, ये कितना हो जाएगा 18, पहले कितना था क्षेत्रफल 20, ये कितना हुआ 18, कितना घटा 2 कहां से 20 से और इनटू 100, 5 कितना हुआ 10%, 10% की क्या होगी हानि, 10% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग भाई। बताइए 10% की क्या होगी हानि, 10% की हानि हो जाएगी आप, बोलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे भाई। और भाई जब भी सेशन को देखें शेयर जरूर कर दिया करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हुई है, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, 11 में क्या लिखा हुआ है, 11 को देखते हैं। 11 में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। संख्याओं का अनुपात क्या 3:4, कितना जोड़ा गया 2, तो यह अनुपात हो रहा 7:9, 7:9। चलो देखो क्रॉस करो 27, 28, डिफरेंस कितना 2, कितना 2, यहाँ कितना डिफरेंस 1 = 4। पूछा क्या है आपसे, बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या करना है संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। संख्याएं ज्ञात करनी यानी 3 और 4, 3 = 12 और 4 = 16, ये संख्याएं हो जाएंगी आप, क्या हो जाएंगी संख्याएं। बताइए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे भाई आप लोग। 12 और 16 ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, अब हम लोग बढ़ेंगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
ट्वेल्व को देखते हैं भाई, ट्वेल्व में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर घंटा की चाल की रफ्तार से जाती है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, चलो देखो क्या होगा, 36 बटे 6 करो कितना आएगा 6 आवर, इधर 40 बटे 5, 5 घंटे में क्या बिल्कुल इधर हो जाएगा 8, ये विपरीत टाइम लग रहा है ये। चलो देखो क्या होने वाला है, U माइनस बी, U प्लस बी, इधर स्पीड कम हो जाएगी और इधर स्पीड जुड़ जाएगी, तो ये क्या 6 घंटे में, इधर 8 घंटे में, कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2U बराबर कितना हो जाएगा 14, तो U बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कितनी चाल हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, डी, 13 का आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें भाई एक बार, 1/2 का 15% बताना है, 1/2 का 15% क्या होगा, 1/2 और इनटू 15/100, कैलकुलेट करेंगे 0.075, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें भाई, 15 था क्या, 0.8 एवं 0.2 का मध्यानुपाती, 0.8 और 0.08 और इनटू 0.2 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 0.4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कौन सा होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन किसी संख्या को 6 से गुणा करने के बजाय 6 से भाग दिया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी। चलो देखते हैं, एक संख्या मान लेते हैं ए, संख्या क्या है ए, इसमें 6 से गुणा किया गया, 6 से गुणा करने की बजाय 6 से भाग दे दिया गया, यानी क्या a अपॉन 6, देखो कितना डिफरेंस आया, क्या होगा 6a माइनस a अपॉन 6, 35a अपॉन 6, बताइए अब इसका निकालना है, तो क्या होगा 35a अपॉन 6 × 6a और इनटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, बताइए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे भाई, ये कटेगा बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और इधर 25, ये क्या हो जाएगा 35 × 25/9, इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करोगे आप भाई क्या हो जाएगा 875 बटे 9, 875 बटे 9 क्या होगा, 9 से भाग लगाएंगे, 9 ने 81, बताइए 97.2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई,
क्या लिखा हुआ है? एक बटे 15% को दशमलव में बदलना है, 1/15% को दशमलव में, 1/15%, परसेंट का साइन हटेगा तो क्या होगा, इंटू 1/100। बताइए क्या आंसर होने वाला है, आंसर कीजिए भाई। चलिए देखिए क्या होगा, 0.00066 ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या भाई, दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकेंड है, चालों का अनुपात बताइए। चलो देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा 9 से काटेंगे, 9 × 2 = 18, 9 × 45 25/2, और इधर रेशियो क्या दिया गया है, इधर क्या दिया गया, 10 मीटर सेकेंड 10, तो क्या होगा 25:20 यानी कितना, 5:4, चालों का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा ऑप्शन, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पढ़िए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए भाई, क्या लिखा है 20 नंबर में, ए रेशियो बी क्या दिया गया है, 2:3, बी अनुपात सी क्या दिया गया है, 6:9, और भी कुछ है, सी अनुपात डी क्या दिया गया भाई आपको, 7:5। आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो डी। चलो देखो कैसे करें, a/b (b/c)/c/d क्या होगा, 2/3, 6/9 और 7/5, दिख रहा है, हाँ ठीक है यहाँ तक क्लियर। चलो देखो 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, और भी कटेगा, यहाँ से बी, यहाँ से सी, a/b, बताओ आंसर करो क्या आएगा, 7 × 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 28/45, रेशियो क्या बनेगा, 28:45। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग समझे होंगे बहुत कायदे से, और जिस भी बच्चे कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठना है आप लोगों को, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल।